राजधानी सवाउल में मिसेस यूनिवर्स स्पर्धा का शानदार आयोजन किया गया था। मिसेस यूनिवर्स स्पर्धा के लिए 100 देशों के 110 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया था। उनमें से भारत के नागपुर गढ़चिरौली की अधिवक्ता कविता मोहरकर ने मिसेस यूनिवर्स का ताज मिलाकर सम्मान से सम्मानित होकर सात समुंदर पार देश का और नागपुर गढ़चिरौली का नाम रोशन किया है। उनके काम की सब लोग काफी सराहना कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता संजय बिरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट सात समंदर पार में, आइए देखते हैं। आई एम ओवरवेल्ड, बहुत खुशी हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि गढ़चिरौली जैसे जगह पे रहने के बाद में हम साउथ कोरिया जाते और वहाँ से कुछ अचीव करके लाते हैं। इट इज़ नॉट फॉर मी बट इट इज़ फॉर द इंडिया, सो ऑल इंडियंस टू बी प्राउड फॉर मी, एंड इट इज़ अ वेरी ग्रेट जर्नी, अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। एक 10 दिन का सफ़र था साउथ कोरिया में, वहाँ एक 100 कंट्रीज़ के 110 कुछ देशों से दो दो पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो गांव से जाने के बाद एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने के बाद जो एक एक्सपीरियंस होता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, सो आई गेन दैट एक्सपीरियंस एंड फीलिंग वेरी प्राउड टू बी इंडिया। वहाँ जाने के बाद हम लोगों के काफ़ी सारे राउंड्स हुए हैं, 7 से 8 राउंड्स हुए हैं। उसमें जो प्रेजेंटेशन राउंड हुआ था उसका टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो 110 पार्टिसिपेंट्स ने प्रेजेंटेशन दिया था उसमें से मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो आउटस्टैंडिंग था और जजेस का स्टैंडिंग ओवेशन था। तो वो देखने के बाद ऐसे लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट द मैटर फ्रॉम वेयर यू आर, इट इज़ द मैटर ऑफ टैलेंट एंड ब्यूटी। तो बहुत अच्छा लगा, एवरीबडी अप्रिशिएटेड। और वहाँ इंटरनेशनल फोरम के सामने हमारे शब्दों को, हमारे वक्तव्य को रखते हैं और उसको अगर डिस्क्राइब करते हैं और इतना बड़ा एप्रिसिएशन अगर मिलता है तो नेचुरली इससे और अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती।